ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से इस महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। 4 दिन का ये महापर्व होता है, नहाय खाय के साथ दूसरे दिन खरना और उसके तीसरे दिन अस्त चहल गामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसी की एक खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह आपको इसी तरह से घाटों से जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। सूर्यास्त हो चुका। तो हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मानवेंद्र प्रयागराज से, तो नोएडा स्टेडियम से हमारी संवाददाता सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और सबसे पहले कानपुर का ही रुख कर लेते हैं। अनुराग, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि सूर्यास्त हो गया है और जो महापर्व की छटा है वो देखते ही बन रही है, आप क्या तस्वीर वहां से? हाँ बिल्कुल आशिमा, क्योंकि हम लोग जिस घाट पे हैं अरमापुर घाट पे, वो पूरी तरह से एक सैलाब आया हुआ था, जन सैलाब, आस्था का सैलाब। लेकिन अब ये पूरा कार्यक्रम तकरीबन समापन की ओर है क्योंकि जिनको भी अर्घ देना था, सूर्यास्त पूरी तरह से हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अब घाट पे इक्का दुक्का परिवार ही बचे हैं जो कि अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना खत्म करके अब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह फिर से आना है, जब सूर्योदय होगा उस समय आके फिर से अर्घ देना है और इस पूजा को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस पूरी इच्छा के साथ भगवान से मानते हुए कि उनका पूरा घर परिवार सुरक्षित रहेगा, सुख समृद्धि आएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है वहां पे भी परिवार आया हुआ है और सिर्फ जो लोग पूजा नहीं भी कर रहे हैं वो लोग भी आए हुए हैं। इसमें बहुत सारे युवा हैं, अपने साथ सेल्फी भी ले रहे हैं क्योंकि एक जो सेल्फी कल्चर है वो भी इसमें, क्योंकि एक खुशियों की चीज होती है, खुशियों की तस्वीरों को कैद करना अपने फोन में या अपने कैमरे में ये भी बहुत जरूरी होता है, तो ये भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था अभी तक आशिमा बनी हुई है, आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस फोर्स पूरा मौजूद है। हालांकि अब जिस तरह मैंने बताया कि पूरी तरह समापन की ओर हो रहा है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अभी पूरी चाक चौबंद है, कुछ लोगों की और चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज तीसरे दिन की जो पूजा है वो सूर्यास्त होने के बाद, अर्घ्य देने के बाद संपन्न हुई है और अब कल सूर्योदय को लेकर किस तरह की तैयारी होगी, बात कीजिएगा इन्हीं तमाम सवालों के साथ लोगों के बीच जाकर अगर पॉसिबल हो तो। अब बिल्कुल आशिमा, हम कोशिश करते हैं क्योंकि ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस बीच प्रयागराज हम लिए चलते हैं और हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ हैं और प्रयागराज में इस वक्त क्या नजारा है वो दिखाइएगा मानवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्रयागराज में नजारा संगम के घाट का अभी भी बहुत विहंगम कह सकते हैं दृश्य है, लोगों की भीड़ जमा है और चूंकि अर्घ दे करके ज्यादातर लोग यहां से अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, लेकिन सुबह आना है 4 बजे और 4 बजे आना है तो जल्दी जाना भी होगा और जो रस्म है उनको रात में पूरा भी करना है, तो लोग यहां पर जाने से पहले अपने परिवारों के साथ सेल्फी लेते भी नजर आएंगे। बच्चे यहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं और जो तमाम जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्योहार है कि जब सारा परिवार, कई परिवार के कई सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी करते हैं, कुछ लोग तो हमने देखा कि विदेशों से भी वापस अपने घरों का को लौटे थे सिर्फ इस पर्व के चलते, तो पूरा परिवार एक साथ यहां पर इकट्ठा हुआ था और सबने एक साथ मिल करके यहां पर जो ये उत्सव सा, जो ये पर्व है उत्सव जैसा जो माहौल था उसमें यहाँ पर पर्व को मनाया था। अभी भी देखे लोगों की भीड़ जमा है, अगर आप रात में आएंगे तो कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो घर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर तंबू लगा करके किसी तरह से रात गुजारेंगे क्योंकि सुबह फिर आना है, 3 बजे निकलना है घर से, जो शहर के लोग हैं और जो बाहर से आते हैं उनकी तो बात ही अलग है, तो 3 बजे इन लोगों को फिर लौटना है वापस और इस लिहाज से कुछ लोग रात में इन्हीं घाटों पर रुक जाते हैं और इसी तरह की रौनक, इसी तरह की तस्वीर, जिस तरह से लाइट यहाँ पर झिलमिला रही, जिस तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है और जो संगम है, जो गंगा है उसमें नावों की कतार है, तो दृश्य बेहद विहंगम होता है यहाँ पर अगर रोशनी हो जाए तो। ऐसे में
लोगों की जाने की इच्छा भी नहीं होती, तमाम लोग रात में यहीं पर रुक जाते हैं। और ये जिस तरह की हलचल है, जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, ये आपको रात भर दिखेगा, सुबह दिखेगा, तमाम लोग आप रात भर यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे आतिशबाजी करते नजर आएंगे, खेलते नजर आएंगे, इंतजार करते रहेंगे लोग छठ के गीत, महिलाएं जो है वो गाती हुई दिखाई देंगी। तो धीरे धीरे अब यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं, तो आप देखें तो तमाम लोग यहाँ पर जमा थे, वो लगातार अगर आप देखें तो इधर जो है कहीं पर आतिशबाजी हो रही है, कहीं पर दीप जलाए जा रहे हैं, कहीं पर परिवार के साथ लोग तस्वीर ले रहे हैं, तो पूरा जो माहौल है वो किसी उत्सव सा है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि आप लोग भी यहाँ पर देखने आए थे, इस पूरे किस तरह से आयोजन होता है? आयोजन हम लोग देखने आए थे, बहुत अच्छा लगा और पहले कभी नहीं देखा था, आज पहली बार आए हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा यहाँ पर तस्वीरें यहाँ की जिस तरह से मनाया गया। आप व्रत तो नहीं होंगी? नहीं, हमारा व्रत नहीं है, हम पूर्वी साइड से है, अवध साइड से, तो हमारे यहाँ सब होता नहीं है, हम लोग देखने ही आए हैं यहाँ पर। देखने आए हैं तो तमाम लोग देखने भी आते हैं किस तरह से पर्व मनाया जाता है। आप लोग बताएंगी, आप लोग कहाँ से? आप लोग भी देखने आए हैं ना? हम लोग देखने ही आए बस यहाँ देखने को आए कि किस तरह से छठ पूजा होता है, और छठ पूजा की बहुत मान्यता है तो मैं बहुत मानती हूँ पर्सनली, तो बस पहली बार यहाँ संगम का छठ देखने आई हूँ। पूरा परिवार यहाँ पर जुटा है। और ये छठ पर्व कैसे मनाया जाता है? इनके यहाँ छठ नहीं होता है लेकिन उसको देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें आश्रमा प्रयागराज की, तो आज से एक दशक पहले एक बलुआ घाट है प्रयागराज में यमुना का, केवल वहाँ पर बहुत सीमित संख्या में लोग छठ मनाते थे। लेकिन अब आज की डेट की अगर हम बात करें तो प्रयागराज का कोई ऐसा घाट नहीं है, कई किलोमीटर लंबा जो संगम का घाट है। यही वजह है कि लोग जो तमाम छठ मनाते भी नहीं है, जिनको इस पर्व की जानकारी भी नहीं है, वो इसकी छठा देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मानवेंद्र रुक करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी नोएडा स्टेडियम से भी हमारे साथ बनी हुई है रंजना, सूर्यास्त हो चुका है, अर्घ्य की बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई। अब क्या वहां पर लोगों की मौजूदगी, क्या लोग वहां से रवाना होते हुए? वाकई अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे दिया गया और भक्तों का जो अनुराग है छठ महापर्व को लेकर वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे दिया गया है, अब इंतजार है कल सुबह का। जो छठ व्रती है अब उन्हें इंतजार है कल सुबह का, कि कल सुबह हो, सूर्य उदय हो और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और उसके बाद छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, अब जो है परिवार के सदस्य वो मौजूद हैं, अब छठ घाट पर वो सेल्फी लेते हुए अपने परिवार के संग नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से, अगर आप दीपों को देखें तो किस तरह से दीपों से ये जो घाट है वो प्रदीप्त हो रहा है। और आपको बताते चले कि अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे दिया गया है और जो भी महिलाएं, जो भी छठ व्रती अगर घाट पर ही रुकना चाहेंगी, क्योंकि कुछ छठ व्रती होती हैं जो घाट पर रुकती हैं और फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को वो अर्घ देंगी, उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले, मेरे बाई तरफ एक रूम बनाया गया है जहां पर महिलाओं की ठहरने की व्यवस्था की गई है और सारे इंतजाम वहां पर यहां नोएडा स्टेडियम में किए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें, अभी भी भीड़ आपको दिख रही होगी, अभी भी जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो घर के सदस्य हैं, वो जो सेल्फी ले रहे हैं एक दूसरे के साथ और किस तरह से ये भव्य नजारा है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि कोसी भरने की भी परंपरा होती है और उसे भी कहीं कहीं निभाया जा रहा है। तो छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाय के साथ हुई। बिल्कुल रंजना, इस कोसी परंपरा को भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्या होता है, इसके पीछे क्या महत्व होता है, दर्शकों को जरा समझाइएगा। अब आशिमा एक बार आप सवाल को फिर से दोहराएं। बिल्कुल, जिस परंपरा की आप बात कर रही थी कि जो कोसी है वो उसे भरने का भी एक महत्व होता है, उस महत्व को समझाइए। देखिए, कोसी भरने का महत्व ये होता है कि जो छठ व्रती होती है उनकी मनोकामनाएं होती है, कहते हैं कि संतान की सुख संपत्ति और वो दीर्घायु रहे
उन्हें जो मनोकामना पूरी होती है जब उनकी, तो कहा जाता है कि कोसी भरा जाता है। और देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरह से अब जो लोग हैं छठ महापर्व का जो अस्ताचलगामी है सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब संपन्न हो गया है और अब जो है वो घर वापसी कर रहे हैं। दौरा जो होता है जिसमें सूप रखा जाता है और सूप में जिस तरह से फल फूल और चावल के लड्डू होते हैं और छठ महापर्व का जो महाप्रसाद होता है ठेकुआ, जिसे बहुत ही शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ बनाया जाता है, उसे रखा जाता है। कहा जाता है कि सूप के लिए वो बिल्कुल प्योर घी में बनता है और उसे रखा जाता है। आज उसे जो सूप होता है आज वो घर वापस से जाएगा और उसके बाद फिर उसके प्रसाद को बदला जाता है। कल सुबह की तैयारी की जाती, तो सोचिए 36 घंटे का निर्जला उपवास, लेकिन जो छठ व्रती की चेहरे को हमने अपने कैमरे में कैद किया गया वो आप बिल्कुल, और चेहरे पर कहीं पर भी कोई थकान कोई भी ऐसी कठिनाई नजर नहीं आती है जो इस कठिन व्रत को दर्शाती है। रंजना, एक बार फिर से अनुराग आपका रुख करना चाहेंगे और वहां पर मौजूद लोगों से भी जरा बात कीजिएगा कल को लेकर, क्योंकि चार दिन ये महापर्व होता है और अब अगले दिन को लेकर किस तरह की तैयारी है। हाँ बिल्कुल आशिमा, हम लोग सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ का जो सूर्य मंदिर है, ये जो पूरे घाट है इस पे सूर्य मंदिर भी यहाँ पर मौजूद रहता है और यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर अपनी वेदी की पूजा करते हैं उसके बाद सूर्य मंदिर पे आते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ युवा भी हैं जो लगातार सेल्फी ले रहे हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत बड़ा उत्सव है। आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पे आपके परिवार वाले आए होंगे पूजा करने के लिए, तो आप लोग तो यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हो एक उत्सव की तरह, एक त्योहार। जी बिल्कुल, पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। घर में भी पूजा होती है और यहाँ पर भी होती है आपके? जी बिल्कुल, नहीं हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, हम लोग यहाँ पे ऐसे विजिट करने आए। घर में नहीं पूजा होती है बट हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने और दर्शन। हाँ जी बिल्कुल, और दर्शन करने आते हैं। बहुत अच्छा, सेफ्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, अरमापुरी बहुत अच्छा है। तो ये वो युवा हैं जो यहाँ पर आते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, इनका पूजा नहीं होती लेकिन उसके बावजूद आते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना महत्व है इस पूरे छठ पूजा का। और ये वो मंदिर है, ये सूर्य मंदिर भी आपको दिखाना चाहेंगे आशिमा, कि देखिए कितनी खूबसूरती से ये पूरा मंदिर सजा हुआ है। और यहाँ पर भी जब अपनी वेदी की पूजा हो जाती है उसके बाद परिवार यहाँ पर भी आता है। बिल्कुल अनुराग, लेकिन गाजियाबाद से देखिए लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए पुष्पों की वर्षा यहाँ पर। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो छठा है वो छठ महापर्व की देखने को मिल रही है और उस बीच ये गाजियाबाद से और खूबसूरती के साथ तस्वीर उभरते हुए नजर आ रही है, किस तरह से यहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है। जनरल वीके सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो पुष्प वर्षा करते हुए उन तमाम जो व्रती महिलाएं हैं जो इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है। तो बेहद ही खूबसूरत नजारा, गाजियाबाद से भी आपको तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है इस महापर्व को लेकर जो नजारा है वो विहंगम देखा जा रहा है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और अब अगले दिन की जो तैयारी के लिए घाटों से, हालांकि कुछ लोग जो है से रवाना भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो व्रत महिलाएं हैं जो सुबह तक का इंतजार यहां पर करेंगी और ऐसे में उनके ठहरने की व्यवस्था भी घाटों पर की गई है। फिलहाल ये गाजियाबाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से पुष्पों की वर्षा यहां पर हो रही है। तो ये उत्साह जो है वो देखते हुए बन रहा है, चाहे जमीन से लेकर आसमान तक, और आम हो या खास हो वो हर कोई इस महापर्व की धूम में झूमता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग गंगा घाटों से हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से मानवेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि हर तरफ से जो है यही तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है इस महापर्व को लेकर। गाजियाबाद से भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो जनरल वीके सिंह है वो पुष्प वर्षा यहां पर जो श्रद्धालु है उन पर करते हुए, लेकिन प्रयागराज में अब क्योंकि कुछ लोग वहां से रवाना हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी व्रती महिलाएं होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो घाटों पर ही इंतजार करेंगे सूर्य उदय होने का।